ग्रेटर नोएडा थाना जारचा पुलिस द्वारा चौकी क्षेत्र सिथली दयानगर पुलिस पर की जा रही चेकिंग के दौरान हुई पुलिस मुठभेड़ के दौरान शातिर आरोपी जावेद पुत्र यूसुफ को घायल अवस्था में दयानगर से तेल मिल जाने वाले रास्ते पर बीच में सेंथली को जाने वाले खंडेज के पास से गिरफ्तार कर लिया गया है। शातिर आरोपी द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गई थी, जिसमें पुलिस पार्टी द्वारा की गई जवाबी फायरिंग में शातिर आरोपी जावेद पुत्र यूसुफ के पैर में गोली लगने के कारण वे घायल हो गया। उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है। शातिर आरोपी के पास से तमंचा 315 बोर माए जिंदा कारतूस और मोटरसाइकिल बरामद की गई है। शातिर आरोपी जावेद के ऊपर एनसीआर क्षेत्र में लगभग आधे दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। वहीं शातिर आरोपी जावेद के आपराधिक इतिहास व अन्य विस्तृत जानकारी जुटाई जा रही है। अवगत कराना है कि आज सायंकाल थाना जारचा के थानाध्यक्ष और उनकी टीम सैथली खड़ंजा पुलिया के पास में चेकिंग कर रहे थे, तो एक संदिग्ध अभियुक्त को इनके द्वारा रोकने का प्रयास किया गया, जिसने न रुक करके पुलिस पर फायर कर दिया और पुलिस ने आत्मरक्षार्थ फायर करके उसको गिरफ्तार किया गया। जो अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है, ये जावेद पुत्र यूसुफ निवासी पीर वाली गली व्यापारियान मुरादनगर जिला गाजियाबाद का रहने वाला है। इसके पास से तमंचा 315 बोर, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस व एक मोटरसाइकिल हीरो होंडा स्प्लेंडर मिली है। इसको तत्काल उपचार के लिए चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है और वहां से इसको नियमानुसार जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। इसके विरुद्ध पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत किया गया है। पूछताछ में ये बातें भी प्रकाश में आई हैं कि एनसीआर क्षेत्र में इसके विरुद्ध काफ़ी मुकदमे पंजीकृत हैं, जिनका कि आपराधिक इतिहास संकलित किया जा रहा है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए नोएडा से अमर सैनी की रिपोर्ट।